दोस्तों बगीचे का मुआयना कर रहे हैं आज। विषय पुराना है लेकिन वीडियो नई है, और ये देखिए पकना शुरू हो गए हैं, जेबें भरी हुई है। बस यही है कि निकाल रहे थे तो सोचा कि एक छोटी सी वीडियो ही बना लो, आपसे शेयर कर सकते हैं, ताकि बीच बीच में इस तरीके से निकल रहे हैं और अपने खाने के लिए भी हो जाता है और लेमन टी के लिए भी। देखिए बिल्कुल साफ नींबू है, नज़दीक आकर देख सकते हैं। देखिए जब पक जाता है नींबू तो ज़्यादा जोर नहीं लगता। ये वाला जो पौधा है 5 साल का हो गया, तो इसको हम अपने बगीचे से निकाल देंगे। बाकी आप देखिए इस पौधे की ग्रोथ भी देखिए, इसकी भी देखिए और इसकी भी देखिए। तो बेहतर है कि इसको समय रहते पहले ही निकाल दिया जाए, तो इसको हम निकाल देंगे अभी कुछ दिनों के बाद। और इस पौधे में भी छोटा सा नींबू यहाँ पर गिरा है और छोटा सा यहाँ पर, सर्दी का नींबू है। इस वाले पौधे का भी बिल्कुल पका हुआ नींबू है और ये देखिए इस पौधे में तकरीबन जब जो फल है वो दबाने पर अगर थोड़ा सा दब जाए तो समझ लेना कि वो निकालने के लिए हो गया है और पीलापन आना शुरू हो जाता है फ्रूट में इस तरीके से। ये देखिए और 5वीं साल में इन्होंने फल देना शुरू किए हैं। ये थोड़े से अभी रह गए हैं तो उनको भी रहने देंगे हम, जब बीच में जो है फलों का मुआयना करेंगे तब दोबारा जो है निकालेंगे इनको। इस वाले पौधे में एक बचा है। दोस्तों जो पौधे हैं वो पूरी तरह से अब व्यस्क हो चुके हैं और अब फ्रूटिंग का भी मज़ा आएगा और फल लेने का मज़ा भी आएगा। इनसे 4 साल हुए तो मेहनत ही करनी पड़ी और साल में 2 बार स्प्रे करनी पड़ती है, जो वीडियो में जो मेरी प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। और इस साल जो है हम उन पौधों को अपने बगीचे से निकाल देंगे जो हमें लगता है कि वीक है और दूसरे पौधे आपस में टकरा सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद प्रूनिंग का सीज़न भी होगा और जहाँ पे क्या ज़रूरत है प्रूनिंग करनी चाहिए इन बड़े पौधों में, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बताई जाएगी। बगीचे का एक संपूर्ण दृश्य। कुछ हरे कुछ छोटे और ये पौधा अपने आप में अपवाद है। देखिए बहुत नींबू लगते हैं यहाँ पर, लेकिन पतझड़ के मामले में सबसे पहले पत्ते इसी के गिरते हैं और नींबू भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन बाकियों में पतझड़ जो है थोड़ी थोड़ी होती रहती है और महसूस नहीं होता कि इसके पत्ते गिर रहे हैं। जबकि इस वाले पौधे में आप देख लें, इंतज़ार करिए 15-20 दिन और उसके बाद प्रूनिंग भी आपसे शेयर की जाएगी। बागवानी से रिलेटेड वीडियो और नींबू से संबंधित खासकर कोई आपको जानकारी चाहिए तो क्वेरीज होगी तो ज़रूर पूछिए और जहाँ तक हो सके उसका निवारण कर लिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।